सो यो गाइस, एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक माइक बनाने वाले हैं। अब भाई माइक क्यों बनाने वाले? क्योंकि दोस्तों आजकल जो हमारी आवाज़ है वो साफ नहीं आ रही है। अब आप लोग उसको साफ कर सकते हो, वो कैसे करोगे? तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन मिलेगा, उसको दबा के वाइट कर दो, वो एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। ऐसे आप आवाज़ साफ कर सकते हो। सो गाइस, अभी ये वाला माइक बनाना काफ़ी ईजी है एंड ये आपकी वीडियोज़ के अंदर काफ़ी हेल्प करेगा। सो मेक श्योर टू वॉच द फुल वीडियो विदाउट स्किपिंग इट। लेट्स बिगिन। सो गाइस यार, अभी एक माइक बनाने के लिए हमें कुछ ईयरफोन्स की ज़रूरत है। कुछ नहीं, एक ही चाहिए वैसे। और जो भी आपके घर में ख़राब ईयरफोन पड़े हो आप उनका यूज़ कर सकते हो। ये तो दोस्त वो उससे मांग लेना, उसके पास ख़राब होंगे तो। अच्छा, हमको सिखा दिया है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके जो कवर होता है यहाँ पर बीच में जहाँ बटन वटन और माइक वाइक दिए हुए होते हैं, तो गाइस आपको यहाँ से कवर को निकाल लेना है एंड उसके अंदर आपको एक माइक मिलेगा और एक बटन मिलेगा। बटन का कोई काम नहीं है, पर इसको लगे रहने देना, कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये जो माइक है ये आपको पहले ही देख लेना है कि होगा या नहीं इसके अंदर। वो देखने के लिए यहाँ पर आप इसकी जो पिन होती है इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि इसके अंदर चार कट, मतलब कट तो तीन है पर यहाँ पर चार आप लोगों को जिस साइड से खिड़कियाँ सी बनी हुई मिलेगी सिल्वर कलर की, तो यहाँ ये देख सकते हो इसके अंदर वही चार है और तीन व्हाइट कलर की लाइनें हैं। अब वो कलर डजेंट मैटर। एंड यहाँ पर ये जो है इसके अंदर फिर मतलब ये माइक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो अभी हम इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो गाइस यार, अभी यहाँ पर ये देखो, आपको यहाँ ये जो हमारी जो वायर फोन में लगती है वहाँ से आप लोगों को देखना है, तो आपको यहाँ पर एक दो तो वायर मिलेंगी लेफ्ट और राइट की। मैं जो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ भी रहता है, तो ये देखिए गाइस यहाँ पर आपको दिखेगा एक एल होएगा और एक आर होएगा, और इसका भी कलर अलग अलग हो सकता है, तो आपको देखना है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है जहाँ से वायर जुड़ी होती है। तो यहाँ पर एल लिखा है एंड इधर वाली साइड पर आर, एंड इसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर लिखा हुआ है गाइस एम प्लस एंड ग्राउंड। अब ये एम प्लस का मतलब है माइक का पॉजिटिव वायर और ग्राउंड का मतलब है नेगेटिव वायर, जो कॉमन होता है, बट हम यहाँ पर इसको माइक का ही नेगेटिव लेके चलेंगे। तो हमको यहाँ लेफ्ट राइट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस माइक का पॉजिटिव एंड ग्राउंड यानी माइक का नेगेटिव। हमें इन दोनों के ऊपर माइनस और प्लस की वायर कनेक्ट करनी है जो कि जैक के अंदर दी हुई होती है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर ये जो ईयरफोन वाली वायर है ये फोर वायर्स आपको यहाँ पर दिखेंगी, जॉइंट दिखेंगे, एंड इसको यहाँ से आपको बिल्कुल अलग कर देना है क्योंकि इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है हमारे। ठीक है गाइस, एंड यहाँ से मैं आपको जो है फटाफट ऐसे करके दिखा देता हूँ, चलिए। सो गाइस अभी जो है हमने यहाँ पर हमारे माइक के लिए काफ़ी लंबी लेंथ वाली वायर बना ली है एंड ये पुराने ईयरफोन्स जो होते हैं गाइस उन्हीं की वायर को जोड़ के एक लंबी वायर मैंने बना ली है। तो यहाँ से ये देखो, ये पुराने जो ईयरफोन आते थे उनके अंदर एक कुछ इस टाइप की क्लिप भी लगी हुई रहती थी, तो इसका यूज़ भी हम इसके अंदर कर लेंगे इसको कॉलर वगैरह के ऊपर लगाने के लिए। एंड यहाँ से ये जो है हमारे माइक के अंदर लग जाएगी एंड ये जो है नॉर्मल हमारे फ़ोन में लग जाएगी। एंड गाइस ये जो है वही वाली वायर है जो हमने इस माइक से निकाली थी, तो ऐसे आप लोगों को भी जो है कुछ इस टाइप से बना लेनी है। बट अभी ये जो ईयरफोन वाली वायर होती है इसके ऊपर सोल्डरिंग जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती, तो वो आप अभी यहाँ पर देख सकते हो इस पर सोल्डरिंग कैसे करनी है। सो गाइस यार, अभी ईयरफोन वाली वायर पर सोल्डरिंग करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसको यहाँ सबसे पहले तो हम कट कर लेंगे। तो यहाँ ये जैसे आप देख सकते हो लोहे की शीट का एक टुकड़ा है, तो मैं इसके ऊपर रख के कर रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल, आप किसी भी चीज़ के ऊपर रख के कर सकते हो। तो यहाँ से आपको इसको बड़े ही आराम से पहले यहाँ से कट कर लेना है, मतलब कट नहीं करना, जो इसकी ऊपर की कवरिंग होती है उसको उतार लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ। तो ये देखिए गाइस, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, बड़े ही आराम से इसके जो तीन वायर इसके बीच में से निकलेंगे एंड एक वायर जो है कॉमन के लिए होगा। हो सकता है आपके डिफरेंट हो, बट आपने कोई सा एक कॉमन के लिए ले लेना है, यानी कि नेगेटिव के लिए, एंड एक पॉजिटिव के लिए ले लेना है। बस आपको कलर याद रखना है क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले भी इसके अंदर काफ़ी सारे जॉइंट्स लगा दिए हैं एंड अभी मुझे जो है इन दोनों वायर्स को जोड़ना है, तो इसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखिए, तो यहाँ आपको कोई से भी दो वायर ले लेने हैं, तो जैसे कि मैं ग्रीन और ब्लैक को कट कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये देखिए, एंड मैं रेड एंड गोल्डन को यहाँ यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। तो रेड को मैं पॉजिटिव लूँगा एंड गोल्डन को नेगेटिव। तो यहाँ से आपको इसको भी रिमूव कर लेना है कुछ इस टाइप से। हो सकता है आपके कवरिंग ना हो, दो कवरिंग ना हो, सीधा आपके जो है वायर आ जाए एक रेड कलर की, तो आपको उसको नहीं छीलना है, आपको पकड़ने पता लग जाएगा कि ये वायर है या फिर कवरिंग है वायर के ऊपर वाली। तो आप लोग इसको ही बड़े ध्यान से यहाँ से कर लेना है कुछ इस टाइप से, फोल्ड कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए होगी कुछ इस टाइप की सोल्डरिंग फ्लक्स। ये फ्लक्स पेस्ट होता है इस नॉर्मल वाला एकदम फ्लक्स पेस्ट है ये, हो सकता है आपके सीधा भी हो जाए, आप सीधा करके देख लीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो सोल्डरिंग पेस्ट है, वैसे तो हो गई, अगर सोल्डरिंग आयरन है तो वो होना अभी कंपलसरी है। ठीक है गाइस,
तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेना है कुछ इस टाइप से। ये कोई एलुमिनियम वाला नहीं है, नॉर्मल है एकदम। तो यहाँ कुछ इस टाइप से लगा लेना है, ठीक है गाइस। एंड अभी आपको यहाँ मैं सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये सोल्डरिंग वायर है, एंड यहाँ आपको सोल्डरिंग आयरन के ऊपर इसको कुछ इस टाइप से लगा लेना है। इतना आपको लगा लेना है, ज़्यादा लगाना है मतलब। और यहाँ इसके ऊपर रख के लोहे की जो शीट आपने ली है, एंड इसको कुछ इस टाइप से करना है। यह आपको तब तक करना है जब तक इसके ऊपर सोल्डरिंग ना आ जाए। तो वैसे ये देखिए, यहाँ पर जो है अभी इसके ऊपर सोल्डरिंग आ चुकी है। ऐसे ही हम जो है अगले वाले के साथ भी कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, इसके ऊपर भी जो है सोल्डरिंग यहाँ पर आ चुकी है। तो आपको भी कुछ इसी टाइप से कर लेना है। एंड ये जो है नॉर्मल कॉपर वायर से अलग वायर्स होती हैं, ऑडियो के लिए यूज होती हैं। जो आप कॉपर वायर का भी यूज कर सकते हो, बट मैं फिलहाल इसका यूज कर रहा हूँ। इससे साउंड क्वालिटी काफी अच्छी आती है। नॉर्मल ईयरफोन वाली जो वायर है ये वही है। तो ऐसे ही आपको इसके साथ भी कर लेना है। एंड देन इन दोनों को आपस में लपेट के उसके ऊपर भी सेम तरीके से आपको सोल्डरिंग कर देनी है। मतलब उसके ऊपर फ्लेक्स लगा के एंड नॉर्मली सोल्डरिंग कर देना, बस टच कर देना, एंड वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो आपको कुछ इस टाइप से इसके ऊपर आप सोल्डरिंग कर सकते हो। चलिए अब अपने आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अभी जो है हमारे यहाँ पर वायर का काम पूरा हो चुका है। तो अब हम जो है हमारे माइक का जो सेटअप होगा उसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें इसकी एक टाइप से बॉडी बनानी होगी छोटी सी माइक की। तो ये हमारा माइक है, एंड आपको क्या करना है, एक पेन का कैप ले लेना है। ये सबसे इजी तरीका होता है। तो इसके ऊपर अगर आपका माइक जो है वो फिट आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर ऐसे में नहीं आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट इसके ऊपर चिपका देंगे हम, एंड उसके बाद हम इसको देख लें कि इसको अच्छा कैसे दिखाना है बेसिकली। तो वो बात की बात है। तो अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर पीछे वायर को निकालने के लिए एक होल कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ। सो ये देखो गाइस, यहाँ पर जो है हमने इसके अंदर कुछ इस टाइप से होल कर लिया है। एंड आपको भी कर लेना है, आपका आपका पेन का कैप भाई कैसा भी हो सकता है, पेन अलग अलग होते हैं। तो आपको उसके अंदर होल कर लेना है बस। तो यहाँ से हम जो है इसकी वायर निकाल देंगे। तो अभी जो है मैं इसके ऊपर हमारी जो हमने वायर बनाई थी उसको इसके साथ जोड़ देता हूँ, एंड इसके अंदर से निकाल के आपको वायर इसके साथ जोड़ देनी है। चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस, अभी जो है यहाँ पर हमने माइक के साथ में इसके कनेक्शंस कर दिए हैं, एंड यहाँ पर एक छोटा सा कट भी लगा दिया है ताकि ये जो हमारी वायर है यहाँ पर बीच में ना अड़े। तो अभी आप लोगों को यहाँ इसके साथ बस इसको यूँ चिपका देना है। फेविक्विक की हेल्प से चिपका सकते हो, पर ध्यान रखिएगा कि माइक के ऊपर फेविक्विक नहीं आनी चाहिए। चलिए फटाफट से चिपका देता हूँ। सो गाइस, अभी जो है यहाँ पर मैंने इसको ग्लू गन एंड फेविक्विक की हेल्प से जो है इसको चिपका दिया है, ये देख सकते हो आप। एंड ये क्लिप जो है आपको इसके बिल्कुल साथ में रखनी है ताकि ये जो है स्टेबल रहे, ज़्यादा मूव ना करे। एंड यहाँ तक जब आपका इसका काम कंप्लीट हो जाए, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बना नहीं है ये, इसके ऊपर अभी जो हम फिल्टर भी लगाएंगे। तो यहाँ तक जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आपने इसको जो एक बार अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट करके चला के देख लेना है कि हाँ भाई सारा कुछ वायर वगैरह एकदम सही है। उसके बाद में जो है हम इसका आगे का काम स्टार्ट करेंगे। चलिए अब अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अभी जो आपने वीडियो देखी उसके अंदर से आपको समझ आ गया होगा कि आप इसका कवर या फिर फिल्टर कैसे बना सकते हो। तो गाइस, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप ऐसा सेम माइक बनाते हो तो आप उसको कवर के बिना यूज़ कीजिए। क्योंकि इस कवर लगाने से क्या होता है कि आपकी जो वॉइस है वो कम आती है काफ़ी। क्योंकि ये कवर जो है गाइस रेडीमेड कवर नहीं है, मतलब कि अगर आप लेके आओगे माइक का कवर वो शायद सही रह जाए। अगर आप उसको इसके ऊपर लगा के देखोगे तो देख लेना। और मैं यहाँ पर जो है फिलहाल इसके ऊपर कोई फिल्टर या कवर का यूज़ नहीं करूँगा। एंड अभी जो है हम इसके ऊपर ब्लैक टेप लगा देते हैं ताकि ये जो है ज़्यादा दिखे ना हमारी वीडियो में। तो आप कलर भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। चलिए मैं फटाफट से इसके ऊपर ब्लैक टेप लगा देता हूँ। सो गाइस, अभी जो है हमारे यहाँ पर माइक बिल्कुल एकदम बन के तैयार हो चुका है। एंड यहाँ ये देखो, इसके ऊपर ब्लैक टेप लगा दिया है, ग्लू गन ऐड कर दिया। माइक के ऊपर आपको कुछ नहीं लगाना है। एंड अगर आप ये वाला सेम माइक बनाते हो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो आपको फिल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही नॉइस उठाएगा बैकग्राउंड से। एंड ये यहाँ पर क्लिप है, एंड वायर मैंने आपको बता ही दी थी कैसे बनानी है। तो चलिए अब जो है हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। लेट्स बिगिन।
सो गाइस अभी इस माइक की टेस्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहूंगा कि जैसे कि जो आपके फोन का ओरिजिनल यहाँ पर कैमरा होता है, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, उसके अंदर जब आप वीडियो के सेक्शन के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको सेटिंग्स का ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो अगर आपके कैमरा के अंदर पहले से ही एक ऑप्शन है कि ये सिस्टम का माइक यूज करेगा या फिर एक्सटर्नल माइक यूज करेगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि इस फोन के ओरिजिनल कैमरा के अंदर एक्सटर्नल से हम अगर कोई माइक गए तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें जो गाइजर एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो कि सारे ही यूट्यूबर्स अगर जो भी फोन से रिकॉर्डिंग करता है माइक लगा के वो यूज करता ही है अगर फोन में ऑप्शन ना हो, जो कि है गाइज ओपन कैमरा नाम से। यहां पर ये देख सकते हो ओपन कैमरा है, इसके डाउनलोड्स भी काफी है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, सर्टिफाइड ऐप है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, 2.5 MB की है सिर्फ। तो इसको जो है गाइज आपको इंस्टॉल कर लेना है, तो जैसे कि मैंने यहां पर कर रखी है और ये अपडेट आई हुई है, मैं इसको अपडेट भी कर लेता हूं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ओके गाइज यार, तो अभी जो है मैं आपको इसको ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये जो है आपसे यहाँ पर कुछ भी अगर बोले, जैसे कि स्टोरेज वगैरह की परमिशन तो मांगेगा ही, कि रिकॉर्ड करेगा तो आपके फ़ोन में कुछ ना कुछ आना तो चाहिए, तो वो आप अलाउ कर सकते हो। बाकी आपको पता ही है क्या अलाउ करना है, नहीं लोकेशन वगैरह ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, वीडियो के सेक्शन के ऊपर जाके यहाँ इस सेटिंग्स के आइकन को दबाना है। अब मैंने यहाँ पर सेटिंग्स जो कर ली है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपको यहाँ नीचे जाके वीडियो सेटिंग्स के अंदर जाना है, एंड यहाँ रिजोल्यूशन जो है उसको हाईएस्ट आप कर सकते हो, जो आपके फ़ोन में सपोर्टेड है, काफ़ी अच्छी वीडियो बनेगी। एंड ये सब आप गाइस यार यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हो, मैं जो आपको बस मेन चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑडियो सोर्स का, तो ये जो है जनरली यहाँ पर डिफॉल्ट ऑडियो सोर्स के ऊपर होता है, तो इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सटर्नल माइक के ऊपर कर देना, एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट, अगर नहीं लगाओगे तो ये जो है नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर ये थी गाइस यार इस कैमरा की सेटिंग, ओपन कैमरा नाम है इसका, एंड बाकी ये ओरिजिनल क्वालिटी के साथ ही वीडियो बनाएगा जो आपके फोन में आएगी। तो चलिए अभी जो हम इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार जो भी आप लोगों ने क्लिप देखी उससे आपको समझ आ गया होगा कि इस माइक को यूज कैसे करना है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरी एक टी शर्ट है या शर्ट जो भी आप पहनोगे उसके नीचे से इसकी वायर को निकाल लेना है, एंड ये जो क्लिप है इससे आप इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ लगा लिया है, एंड अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इस माइक से नहीं आ रही है, जो नॉर्मल हमारा फोन का माइक होता है उसी से आ रही है। तो अभी रिकॉर्डिंग भी फोन से ही हो रही है, तो अभी जो है आपको जो ऑडियो आएगी थोड़ी देर में वो इस माइक से होगी। चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यार अभी जो आप लोगों को ऑडियो सुनाई दे रही है वो इस माइक की है, तो मैं आपको लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? तो आपको सुनाई दे रहा होगा, तो वो इस माइक की ऑडियो है। तो आप देख सकते हो कितनी क्लियर ऑडियो यहाँ पर जो है आप लोगों को आ रही है। एंड इससे क्या होता है, आप लंबी वायर जितनी जैसे मैंने रखी है उतनी आप रख सकते हो, एंड इससे कैमरा आपका जो है जितनी भी दूर हो बट आपको ऑडियो जो है वो एकदम क्लियर आएगी। तो इसका ये होता है, एंड ये बैकग्राउंड नॉइज को भी नहीं कैप्चर करता, जैसे कि आप लोग सिर्फ मेरी आवाज आ रही होगी बट मुझे जो है वो बैकग्राउंड नॉइज काफी तरह की यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो गाइस यार इतना ही था आज की वीडियो के लिए, अगर आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, और इसको यार शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। बाय।